सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करके बताने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको मैं पीछे का गला 3.5 इंच पे रखी हूँ शोल्डर, और पीछे के गले की लंबाई 3 इंच रख रही हूँ। ये हाइट के हिसाब से है, बच्चों का जैसा फिगर हो उसी हिसाब से रखे। ये मैं 2.5 इंच पे बॉक्स बना रही हूँ। इस बॉक्स में गोलाई करेंगे। अब इसको मैं देखिए, इसको मैं कट कर ले रही हूँ। ये पीछे, ये गले में पीछे से मैं हुक लगाने के लिए खोल रही हूँ। ये मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। इसी में, इसी हिसाब से मैं ये कपड़ा रखूँगी 4.5 इंच। आइए मैं अब इसको आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। इसको मैं यहाँ बीच से सेंटर से मैं इसको काट लूँगी। इसी तरह से इसको भी काट लेना है। और पहले इसको सिलाई कर लेंगे फोल्ड करके। यहीं से इसको भी फोल्ड करना है। अभी ये हो गया। ये अब इसको यहाँ से ऐसे बैठा लेंगे। यहाँ सेंटर में पहले देख लेते हैं। अब यहाँ से इसको मैं बैठा लेना शुरू कर रही हूँ। देखिए, इसको यहाँ पे सुई रोक के इसको ऐसे करना है। अब इसको ऐसे करके फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करूंगी और इस पर मैं दाब सिलाई चलाऊंगी। ऐसे दाब सिलाई चलाने से सिलाई बैठ जाती है।
ये देखिए मेरा सिल चुका है। यहाँ पे मैं ऐसे हुक लगाऊंगी, छोटी बच्ची है उसके गले में बराबर जाना चाहिए आराम से, इसके लिए मैं ऐसे बनाई हूँ। अब इस पर मैं और एक कपड़ा काट के पैपिन बनाने बता दी हूँ। जिस तरह मैं पीछे का बनाई हूँ ऐसे सेंटर में यहाँ मैं बीच में कट करी हूँ। इसमें अब मैं सामने का गला बनाऊंगी, सामने का गला थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, 3.5 इंच। और यहाँ से तो 2.5 इंच ही लेना है, 2.5 इंच ही रखी हूँ। मुझे तो अंदाज हो गया तो मैं बराबर निशान लगा ले रही हूँ। आपको दिक्कत हो आप इंची टेप से नाप करके हिसाब से लगाने। पहले इसको कंधे को जोड़ लेते हैं। पहले ये कंधे को जो ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों शोल्डर सिल के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ से पैपिन बनाऊंगी। ये पैपिन के लिए और भी कपड़ा मैं काटी हूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी। ये रेप कपड़ा का पैपिन बनाने में बहुत अच्छा बैठता है। ये ऐसे फोल्ड होगा। ये इसको मैं ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सामने लगाऊंगी, फिर इसके बाद यहाँ से सिलाई करूँगी। ये और भी कपड़ा का सिलाई जब भी करेंगे पैपिंग के लिए, ये गला को नहीं टालना है, थोड़ा थोड़ा पैपिंग को टानते रहेंगे ताकि अच्छे से गोलाई में पैपिंग बैठेगा। ये सिलाई जो है मोड़ शोल्डर की, इसको हमेशा पीछे करना। ये सिल गया। अब इसको ये इसको ऐसे हल्का सा ये करेंगे ताकि सा कपड़ा बाहर नहीं आए, और इसको मैं फोल्ड करूँगी। देखिए पैपिन कितना अच्छा हो रहा है, ये पूरे लग जाएंगे तो पता चलेंगे आपको। देखिए ये गला रेडी हो गया। अब मैं आपको स्लीव्स की बनाना बता रही हूँ। ये स्लीव्स के लिए पैपिन का कपड़ा है। आइए दोनों को मैं ऐसे सिलाई, दोनों का मुंह पकड़ के और ऐसे करके मैं इसको सिलाई करूंगी।
ऐसे करके चून बनाने हैं। ऐसे ऐसे पूरा हमें चून बना बैठा लेंगे। ये ऐसे लग गया। अब ये ये पैपिंग का कपड़ा ज़्यादा हो गया, वो मैं कट कर देती हूँ। फिर मैं इसको आगे की तरफ ऐसे मोड़ फोल्ड कर दूँगी। ऐसे करके मैं पूरी सिलाई कर दूँगी, फोल्ड कर दूँगी। ये पैपिन लग गया है, देखिए। अब इसको मैं ऐसे इसमें लगा दूँगी। ये हो गया, देखिए। फिर अभी ऐसे बनेगा। ऐसे करके मैं दोनों आस्तीन तैयार कर ली हूँ। ये भी आस्तीन रेडी हो गया है। आइए अब मैं उसमें फिट करती हूँ। सेंटर पे जो मैं कट करी थी, अब यहाँ से ये इस सेंटर पे मैं इसको ज्वाइन करूँगी। अब मैं इस सेंटर पे रख के इसको पहले जितना कपड़ा ज़्यादा है उसको मैं ऐसे फोल्ड करके चुन बना दूँगी। जैसे ये सामने से लगाई हूँ इधर, ऐसे मैं पीछे भी लगा चून बनाऊँगी। ऐसे करके चून बनाना रहेगा। जितना ये लंबा कपड़ा, जितना कपड़ा बचा रहेगा साइड से, उतना चून बना लूँगी। फिर बाद में जो बचेगा उसको आर्म होल पर ज्वाइन कर दूँगी। अब इसमें एक चून और बनेगा। अब यहाँ तक इसको सिलाई कर देंगे। अब इसी पे मैं डबल सिलाई मार दूंगी। देखिए ये बलून आस्तीन कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत। ये गला भी रेडी हो गया, ये आस्तीन भी रेडी है। इस पर मैं घेरा बैठाती हूँ। घेर भी बन के तैयार है। वो तो और भी क्यों, उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सेंटर पे पकड़ के इसको सिलाई मार देना है। पेटी का ये सेंटर में मैं कट लगा के रखी थी, और ये अम्ब्रेला फ्रॉक का भी यहाँ ये कट है। तो ये दोनों कट को एक साथ मिलाना है इसमें, और मिला करके यहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो हल्के हाथों से पकड़ के सिलाई कर देंगे।
रही है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ घेरा लग गया है। ये फ्रॉक रेडी हो गया, अब मैं इसको फिटिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैं मेजरमेंट कर ली थी, सब में मैं निशान लगा के रखी हूँ, उसी मेजरमेंट पे मैं ये सब सिलाई चला रही हूँ। इसको कपड़े को पैक कर रही हूँ। ये आस्तीन की सिलाई अंदर होनी चाहिए, सिलाई इधर नहीं आनी चाहिए सामने, इसको पीछे की तरफ सिलाई जानी चाहिए। इसमें मैंने ये फीते बना रखी हूँ डोरी, ये फीते को मैं अंदर से लगाऊंगी यहाँ पे कमर के ऊपर। ये देखिए ये सिल के तैयार हो गया कपड़ा, इसको अब मैं देख रही हूँ। अभी मैं इस घेरे पे सिलाई चला लेती हूँ, ये पूरा पैक हो जाए उसके बाद ही घेरे पे सिलाई चलाना चाहिए। कभी भी इस तरीके से करके इसको ऐसे करके पहले घेरे को देखना चाहिए कि ये घेरा मेरा बराबर में है या नहीं। ये देखिए घेरा मेरा पूरा बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। देखिए ये हल्का क्रॉस है, ये जो सिलने में भी आ जाएगा, अब इसे कटिंग कर दूँ तो और अच्छा ही रहेगा। इसके हल्के हाथों से इसे गोलाई को घेर को ऐसे हल्के हाथों से मोड़ लें, इसको खींचेंगे नहीं, खींचने से ये कपड़ा फैल जाएगा, ये अच्छे से गोलाई बैठेगी नहीं। ये अब सिल के कंप्लीट हो गया फ्रॉक। ये अब सिल के कंप्लीट हो गया, देखिए ये फ्रॉक रेडी हो गया। ये बैलून वाला आस्तीन है, ये गला देखिए, मेरा बेबी फ्रॉक सिल के तैयार हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।